बिल्कुल निश्चित रूप से। आप कहाँ से हो सर? मैं उदयपुर से, मेवाड़ की धरती। उदयपुर मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की धरती से आए हो, और तहसील कौन सी से? मैं मेवाड़ की धरती उदयपुर और पंचमी जाड़ोल से हूँ। झाड़ोल? झाड़ोल, झाड़ोल, झाड़ोल से। संघर्ष करो या संविदा पे? बहुत संघर्ष किया उसने। संघर्ष, ये जो जॉब मिलेगी, जो नौकरी मिलेगी, वो संघर्ष की नौकरी है। आज देख लो, आप उन दराज लड़के हो चुके हैं, और आपके साथ वाले लोग लग गए, नौकरी कर ली, LDC से UDC प्रमोट हो गए। और संघर्ष ही जीवन है, ये सीखने को मिला इस भर्ती। संघर्ष अगर युवा करेगा तो कैसे, मतलब लोकतंत्र की परिकल्पना करेगा? अब संघर्ष ही जिंदगी है। और संघर्ष जिंदगी है, मान लिया, लेकिन लोकतंत्र में रह रहे हैं, नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं, हमारे वोट से वो सरकार बनाते हैं, सुविधाएं लेते हैं, और जब हमें हमारे हकों की जरूरत होती है तो 10 साल लग जाते हैं। इस भर्ती में क्या है कि एक राजनीति षड्यंत्र भी हुआ इस भर्ती में, और पहले पिछले काल में कांग्रेस सरकार ने ये भर्ती निकाली थी, और उसके बाद क्या, जाते जाते कांग्रेस सरकार चेंज हो गई और बीजेपी सरकार आ गई। 5 साल गुमराह करने का काम किया, समझौते हुए हमारे साथ में बहुत से बात, जयपुर में हमारे साथ मंत्री महोदय राजेंद्र राठौर के साथ में हमारे समझौते होते हुए भी इस भर्ती को चालू नहीं। कहने का मतलब है कि पिछले जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने 2013 में भर्ती निकाली, और उसके बाद वसुंधरा का दौर आ गया, वसुंधरा राजे ने इस भर्ती को रोक दिया, बेरोजगारों के साथ कुठारा लगा दिया आपने। और आपका समझौता कौन से मंत्री के साथ हुआ? राजेंद्र राठौर जो पंचायत राज मंत्री थे, उसमें उन्होंने समझौता कराया बेकायदा जयपुर में हमारे को, सबके आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक जी के साथ में समझौता हुआ, और भर्ती चालू करने की कगार पे थे, परंतु षड्यंत्र के मार्फत भर्ती को रोक दिया गया। 5 साल तक केवल गुमराह करने का प्रयास किया। धूम दराज के लड़के, ऐसे भी लड़के हैं जो ओवरएज हो चुके हैं, जो लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, उनके साथ में भारी, मतलब एक कुटारघात का काम हुआ। मैं तो जैसे युवा हूँ, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे बंदे मिलेंगे आपको, जो दाढ़ी और बच्चे ओवरएज के कगार पे हो गए हैं। किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही, किसी को क्या प्रॉब्लम होंगे, संघर्ष करते हुए आज इस स्टेप पे पहुंचे हैं। अगर उनको सबको जॉब मिलती है, मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जो गरीबों के मसीहा है, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक दिल से एक युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और बहुत मतलब, और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, मेवाड़ की धरती से आए हैं, तो कहते हैं कि तुकम तासीर और जाति का असर नहीं जाता, तो मेवाड़ जाती है, और आवाज में जो दर्द है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू Thank you.